जैसा कि हमने देखा कि रोमर एक्स और ब्लडलाइन की स्टोरी दिन पे दिन मस्त बनती जा रही है। अभी स्टोरी में कौन कौन से तहलके होंगे, कौन कौन से रिटर्न्स होंगे, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ कि रोमर एक्स की नई ब्लडलाइन कब शुरू होने वाली है और कैसे शुरू होगी और उस नई ब्लडलाइन में कौन कौन रह सकता है। जैसा कि हमने स्मैकडाउन में देखा कि सोलो सिकावा अपनी छोटी मोटी ब्लडलाइन के साथ आया और सोलो सिकावा ने ये कहा कि अगर रोमर एक्स अपनी भलाई चाहता है तो रोमर एक्स को बस एक काम करना पड़ेगा, रोमर एक्स को मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा। अगर रोमर एक्स ने मुझे एक्नॉलेज कर लिया तो ठीक है, लेकिन अगर रोमर एक्स ने मुझे एक्नॉलेज नहीं किया तो उसके बाद मैं रोमर एक्स को छोड़ूंगा नहीं, रोमर एक्स और जिमी उसो दोनों को मारूंगा। उसके बाद वहां पर सबको शॉक करते हुए नजर आए जे उसोस को देख के फैंस काफी खुश हो गए। फैंस ये चाहते थे कि जे उसोस रोमर एक्स की ओजी ब्लडलाइन में वापस आ जाए। जे उसोस रिंग के अंदर आए, जे उसोस ने सोलो सिकावा को समझाया कि तुम कर क्या रहे हो, तुम फैमिली को तोड़ क्यों रहे हो, तुमने अपनी ये छोटी मोटी ब्लडलाइन क्यों बनाई है, तुम्हें पता है कि हमने इन लोगों को दूर अपने से क्यों रखा था, क्योंकि ये लोग लायक ही नहीं है कि ये हम लोग के साथ रहे। जे उसोस ने सोलो सिकावा को समझाने की बहुत कोशिश की कि रोमर एक्स के साथ पंगे मत लो, ये सब मत करो, लेकिन सोलो सिकावा माने नहीं। तो जे उसोस ने सोलो सिकावा को एक बात कह दी कि ठीक है अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार जो हमारी मुलाकात होगी वो मुलाकात बहुत अलग तरीके से होगी। और उसके बाद जे उसोस वहां से निकले। बैक स्टेज में जे उसोस को जिमी उसोस और रोमर एक्स दोनों मिल गए। रोमर ने जे को कहा कि मुझे तुम पे प्राउड है, मैं तुम पे प्राउड करता हूँ कि तुम चैंपियन बने, लेकिन जे उसोस ने रोमर एक्स के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। रोमर एक्स को कहा नो इट। उसके बाद जे उसोस वहां से चले गए। फिर बैक स्टेज में रोमर एक्स और जिमी उसोस का सेगमेंट हुआ, जहां पर रोमर एक्स ने जिमी उसोस को कहा कि मैं ये सब बंद कर दूंगा, ये सब जो हो रहा है मेरे फैमिली के साथ, और मुझे क्या करना है, मुझे सोलो को एक्नॉलेज करना है ना, मैं कर लूंगा। ये सुन के डब्ल्यूई फैंस शॉक हो गए कि रोमर एक्स सोलो को एक्नॉलेज करेंगे, ये क्या कह रहे रोमर एक्स। उसके बाद रोमर एक्स रिंग में आए, सोलो भी आए। रोमर एक्स ने सोलो को कहा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मैं क्या चाहता हूं, मैं तो बस ये चाहता हूं कि हमारी ब्लड लाइन, हमारी फैमिली डब्ल्यूई के टॉप पे रहे, हम सबके पास टाइटल्स रहे, हमें पेचेक मिले, लंबे लंबे मोटे मोटे पैसे मिले, मैं बस यही चाहता हूँ कि हमारी फैमिली कामयाब बने। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, पूरी फैमिली को तोड़ रहे हो, तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं जिससे ये सब ठीक हो जाए। सोलो सिकावा कहता है कि मुझे एक्नॉलेज करो। रोमर एक्स कहता है ठीक है मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूं, अब तो खुश हो ना। सोलो सिकावा ने कहा कि बस इतना ही नहीं, तुम मुझे एक्नॉलेज करो कि मैं तुम्हारा ट्राइबल चीफ हूं, नहीं तो। सुन के रोमर एक्स को गुस्सा आ गया और उसके बाद सोलो सिकावा ने कहा कि मुझे पता था कि तुम मुझे एक्नॉलेज नहीं करोगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लाया हूं। और उसके बाद सोलो सिकावा के चंगू मंगू यानी कि टामा टुंगा टांगा लियो और जेका पाटू जिमी उसोस को उठा के लाते हैं। जिमी उसोस को देखने से ये लग रहा था कि जिमी उसोस को बहुत मारा गया है। और उसके बाद रोमर एक्स को आता है गुस्सा। रोमर एक्स सोलो सिकावा को मारते हैं, टामा टुंगा को, टांगा लियो को और जेका पाटू को, चारों को मारते हैं। और उसके बाद रोमर एक्स अपना उला फाला पहनते हैं, लेकिन उसी वक्त सोलो सिकावा रोमर एक्स को लो ब्लो मार देता है। उसके बाद सब मिलकर रोमर एक्स के ऊपर हमला कर देते हैं। ये तो कहानी हुई स्मैकडाउन की, लेकिन इसके आगे की कहानी क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। ये तो कंफर्म है कि रोमर एक्स सोलो सिकावा और उसकी छोटी मोटी ब्लडलाइन को सबक सिखाएंगे, लेकिन कैसे मैं बताता हूँ। जिमी उसोस उसके साथ है और जे उसोस भी अब रोमर एक्स के साथ आने वाले हैं। आप लोग पूछेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट वीक के रॉ में जे उसोस और ब्रॉन ब्रेकर का मैच हो रहा है इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए, और इस मैच में बहुत ज्यादा गारंटी यही है कि सोलो सिकावा अपनी छोटी मोटी ब्लडलाइन को लेकर आएंगे और जे उसोस को उनका टाइटल हरवा देंगे। जे उसोस के कंधे से उसका टाइटल जाएगा और उसके बाद जे उसोस को याद आएगी रोमर एक्स की, और उसके बाद जे उसोस रोमर एक्स को ज्वाइन करेंगे। रोमर एक्स जिमी और जे वर्सेस सोलो जेका पाटू टाला टुंगा और टामा टुंगा। नहीं, ये तो थोड़ा मैथ सही नहीं बैठ रहा है। रोमर एक्स को भी एक सुपरस्टार की जरूरत है और मुझे लगता है कि वो सुपरस्टार बन सकते हैं डीन एम्ब्रोस। अगर डीन एम्ब्रोस रिटर्न आके रोमर एक्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये डब्ल्यूबी का अब तक का सबसे स्ट्रांग फैक्शन और स्ट्रांग ब्लड लाइन बनेगा। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट जरूर बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या डीन एम्ब्रोस रोमर एक्स की ब्लड लाइन को ज्वाइन करे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे थोड़ी देर में डब्ल्यूबी के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।